हरियाणा में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे हरियाणा के उद्योगपतियों और पंचायतों को भी लाभ होगा। साथ ही इन योजनाओं के तहत रोजगार भी बढ़ेगा। माना जा रहा है कि आने वाली योजनाओं का सीधा लाभ किसानों और युवाओं को मिलेगा। अब हाल ही में हरियाणा एक्सप्रेसवे के साथ साथ ग्लोबल सिटी और IMT बनाने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसके तहत युवाओं और उद्योगपतियों को फायदा होने वाला है। इसके अलावा पंचायतों को भी परियोजना से लाभ होगा। दरअसल हाल ही में हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला ने सभी को जानकारी दी है कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की है। इस नीति के तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सुभाष बराला ने ही HSIIDC की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता और वित्त सलाहकार किरण बालिया भी मौजूद थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।